दोस्तों, इस वक्त मैं 11 गुरखा राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर में हूं, जो कि लखनऊ में है। ये वही जगह है जो आज भी कैप्टन मनोज कुमार पांडे परमवीर चक्र की याद दिलाती है। आइए मेरे साथ, मैं आपको ले चलता हूं उन्हीं कारगिल की पहाड़ियों में, उन्हीं सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर, जहां आपको भी पता लगे कि जब हमारे फौजी लड़ते हैं तो माहौल कैसा होता है और जीत होती है तो जश्न की आवाज़ कितनी तेज गूंजती है। हम कहते हैं कि हमारे बेटे थे, वो पूरे भारत देश के बेटे थे। उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, उन्होंने इतिहास में अपना नाम कर लिया, और इससे बड़ा योगदान और क्या हो सकता है एक भारतीय के लिए। एक वीर पत्नी होके, एक सैनिक का पत्नी होके एक हिम्मत रखना पड़ा, वो हिम्मत मेरे में था, सो इसलिए मुझे संभालने के लिए इतना कठिन नहीं हुआ। दोस्तों, जो पैदा हुआ है उसको एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है, ये बात तय है, ये दस्तूर है। लेकिन वो फौजी जो देश के लिए, रेजिमेंट के लिए, पलटन के लिए जान देता है, उसको शहीद का दर्जा मिलता है। लेकिन उनके परिवारों का क्या? वो किस तरीके से उनको याद रखते हैं? वो कहते हैं कि हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, हमारा बेटा देश के लिए कुर्बान हो गया, लेकिन अब वो सिर्फ हमारा बेटा नहीं रहा, वो इस देश का बेटा हो गया है। और ये इंडियन आर्मी का दस्तूर भी है, और दस्तूर ये कहता है कि शहादत का बुरा मत मानो, शहादत का गम मत मनाओ, शहादत का जश्न मनाओ।